أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يسرون القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن من لكم قد نبانا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم رد دون إلى عالم الغيب إلى عالم الغيب والشهادة فينبذ बी बी तुम <coughs> पारा नंबर ग्यारह रुकू नंबर एक बाज दिहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं कि उन्हें जिहाद से रुख़त दे दी जाए जबकि रुखसत सिर्फ बीमारों के लिए है या वो जो जिहाद के लिए ज़्यादा राह और सवारी नहीं रखते और आप भी उन्हें मुहैया नहीं कर सकते तो उनकी आँखों में इस मजबूरी की वजह से लाचारी की वजह से आंसू आ जाते हैं खुशहाल लोग जिहाद की बजाय अपनी औरतों के पास रहना पसंद करते हैं और आपकी वापसी पर गुजर तराशियां करते हैं कस्में खाते हैं आप उनकी तरफ इल्तफात न फरमाएं। उनका ठिकाना जहन्नुम है अलबत् वो देहाती जो अल्लाह और आखरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ ख़र्च करते हैं उसे अल्लाह की कुरबत और रसूल सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम की दुआओं का ज़रिया समझते हैं अल्लाह करीम उन्हें अनकरीब अपनी राहमत में ज़रूर दाखिल फरमा देगा रुकू नंबर दो ईमान में सबकत करने वाले महाजिर अनसार मदीना और नेकोकारी के साथ उनकी पैरवी करने वालों से अल्लाह खुश है और वो उससे खुश हैं रहे नवाह के मुनाफिक और मदीना के मुनाफिक तो वो दोहरे अजाब में गिरफ्तार होंगे जो लोग अपने गुनाह का अतराफ़ करते हैं करीब है कि अल्लाह उन्हें मुआफ़ फरमा दे आप उनकी ज़कात कबूल कर लें और उनके हक में दुआ खैर फरमा दें बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उनके लिए मौजब तस्कीन है जिन लोगों ने मस्जिद जरार बनाई के मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएं और उनके दरमियान तफरका डालें ये लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जंग कर चुके हैं मगर कस्में खाते हैं कि हम मुसलमानों की भलाई चाहते हैं ये परले दर्जे के झूठे लोग हैं आप इस मस्जिद में कभी खड़े भी ना हों। अलबत् वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है तक्वा मिन फी। वो इस काबिल है कि आप उसमें जाया करें उसमें वो लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं भला वो इमारत जिसकी बुनियाद तकवा और रजा इलाही पर रखी गई हो बेहतर है या वो जिसकी बुनियाद दोजक की खाई पर रखी गई है, ये इमारत हमेशा उनके दिलों में खलजान का मौजूद रहेगी। रूकू नंबर तीन, अल्लाह करीम ने मोमिनों से उनका जानो माल जन्नत के आयवस खरीद लिया है। इन्नल्लाह इश्तरा मिन अल मुमिनीन अनफुस हम व अम्वाल हम बी अनल हमुल जन्ना, युकातिलून फी ये वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं मारते हैं और मारे भी जाते हैं अल्लाह का ये सच्चा वादा तौरात, इंजील और कुरान में मौजूद है इस सौदा करने वालों को मुबारक हो वो तौबा करने वाले इबादत गुजार हमदोसना करने वाले रोज़ादार सजद गुजार नेकी का हुक्म करने वाले बुराई से रोकने वाले और हदूद की हिफाजत करने वाले हैं अहले ईमान को जन्नत की बशारत हो नबी और अहले ईमान के शान शयान नहीं कि वो मुशरकों के लिए बख्शिश की दुआ करें हजरत इब्राहिम ने अपने वालद के लिए दुआ सिर्फ वादा पूरा करने के लिए की थी अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी वक्फ कर दी अपने रसूल अमीन सल्ला वसलम के लिए और उन महाजरीनो अंसार के लिए जिन्होंने इंतहाई मुश्किल घड़ियों में नबी मुकर्रम का साथ दिया अल्लाह ने उन तीन अशखास की तोबा व इस्तिग़फ़ार भी कबूल कर ली जो गजबाए तबूक के मौका पर पीछे रह गए थे अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है रुकू नंबर चार ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो मदीना के बशिंदों और इर्द गिर्द के देहातियों को हर गिज़ ये मुनासिब न था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठे रहते और हजूर अलैहि वसल्लम की तरफ से बेपरवाह होकर अपनी अपनी फिक्र में लग जाते इसलिए कि ऐसा कभी न होगा कि वो अल्लाह की राह में भूख प्यास और जिस्मानी मुशक्कत की कोई तकलीफ़ झीलें और काफिरों को जो राह ना है वो उस पर कोई कदम उठाए और किसी दुश्मन से इस्लाम दुश्मनी का बदला ले और उसके बदले में उनके हक में एक नेक अमल ना लिखा जाए अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता अल्लाह अपनी राह में उनके थोड़े से थोड़े खर्च पर भी और अपनी राह में कोई भी वादी पार करने पर जरूर अजर अता फरमाएंगे और मोमिनों के लिए यह मुनासिब ना था कि सब के सब निकल आए ये क्यों ना किया कि हर जमात में से चंद अशखास निकल जाते ताकि दीन का इल्म सीखते, फलौला नफर मिन कुल इदा चंद अशखास निकल जाते ताकि दीन का इल्म सीखते और इसमें समझ पैदा करते और जब अपनी कौम की तरफ वापिस आते तो उनको डर सुनाते ताकि वो अल्लाह की नाफरमानियों से बचते कोशिश करते हैं और ईमान है। वालों कुार के साथ उस से जंग करो कि उन्हें तुम्हारी सख्ती और कुवत महसूस हो जब भी कोई सूरत नाजिल होती है तो ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता है और मुनाफिक उनके ईमान यकीन का मजाक उड़ाते हैं उनका खुबस और बढ़ जाता है वो एक दूसरे को तकने लग जाते हैं क्योंकि ये समझ से काम नहीं लेते लोगों तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे पास तुम में से ही एक पैगंबर आए हैं तुम्हारी तकलीफ उन्हें गरा मालूम होती है वो तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं मोमिनों पर नहायत शफकत करने वाले और बहुत मेहरबान है अज़ीज़ फरमाया आप ऐलान कर दें अगर ये लोग फिर जाएं तो मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है उसके सिवा कोई कोईदत के लायक नहीं उस पर ही भरोसा करता हूँ वही अरश अजीम का मालिक है रकू नंबर छः से सूरा यूनुस का आगाज हो जाता है ये तरतीब के एतबार से दस नंबर सूर है मक्की है इसके रकू हैं और एक सौ नौ आयात हैं इस मुबारक का मौजूद दावतर है मुख्तल शवाहित मिसालों और दलीलों के साथ अकवाम आलिम को इसकी दावत दी गई है आखिर में हजरत यूनसम का तस्करा है रकू नंबर छः फरमाया ये इस हिकमत से लबरेज किताब की आयात हैं जो अल्लाह ताला ने तीन में से एक शख्स पर उतारी है ये मुनकरन को उनके बुरे अंजाम से आगा करने वाली और ईमान वालों को अल्लाह के यहाँ बुलंद मर्तबा की खुशखबरी देने वाली है काफिरों को ये बात नागवार है कि उन्हीं में से एक आदमी बशीर और नज़ीर बनकर आए वह उसको जादूगर कहने लगे अल्लाह ही ने आसमान ज़मीन बनाए वही उसका इंतज़ाम फरमा रहा है उसी की इबादत करो अल्लाह के हाँ उसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारश नहीं कर सकता उसी ने मखलूक को पैदा किया है उसी ने ईमान वालों और अच्छे काम करने वालों को इंसाफ के साथ बदला देने के लिए और काफिरों को जहन्म की सजा देने के लिए दोबारा ज़िंदा करके अपने हजूर हाजिर करना है उसी ने सूरज को पर नूर बनाया और चांद को चमक दी रात दिन बनाए ज़मीन व आसमान का सारा निज़ाम उसी ने बनाया मगर जो लोग दुनिया की दिलचस्पियों में मगन है वो हमारी आयत से गाफिल है ईमान वाले अपने ईमान की बदौलत जन्नत में जाएंगे और वहाँ अपनी कामयाबियों पर एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे और रब का शुक्र अदा करेंगे रुकू नंबर सात रबमत नज नाजिल फरमाने में जल्दी करता है मगर आजाब भेजने में जल्दी नहीं करता अगर वो रहमत की तरह कहर करने में जल्दी करता तो इन सरकशों का किस्सा कब का तमाम हो चुका होता वो लोगों को मौका देता है कि वो सरकशी में अच्छी तरह भटक ले। इंसान का हाल ये है कि जरा हमारी गरीब सख्त हो जाए तो लेटे बैठे खड़े हमारा वजीफा पढ़ना शुरू कर देता है और हमें याद करना शुरू कर देता है फिर जब ढील मिल जाए तो ऐसे भूलता है गोया हमें किसी मुसीबत में पुकारा ही नहीं था तुमसे पहली कौमों के पास हमने रसूल भेजे वो ना माने तो हमने उन्हें हलाक कर दिया फिर तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम्हें उनका जानशीन बनाया जिनको हमारे हुजूर पेश होने की तवक्को नहीं वो कुरान सुन कर कहते हैं कि कोई और कुरान ले आओ या इसी में कुछ तब्दीली कर दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें कि मैं तो वही का पैरोकार हूँ मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है बताओ कि कभी झूठ बोला है सुन लो जो शख्स अल्लाह पर झूठ बांधता है उससे बढ़कर और कोई शरीर नहीं और जो सच्चे का इनकार करे वो सबसे ज्यादा इंसान है और जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकता अगर मैं झूठा हूं तो मैं नाकाम हो जाऊंगा और अगर तुम सच्चाई के मुनकर हो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फैसला अल्लाह के हाथ में है चुनाचे फैसला हो गया, जो सच्चाई के मुनकर थे उनका नामो निशान मिट गया और जो सच्चा था उसकी सच्चाई आज तक कायम है और कायम रहेगी ये जिन चीजों की पूजा कर रहे हैं और ख्याल करते हैं कि ये उनके खुदा के यहाँ सफारशी हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं अल्लाह ताला हर शर्क से पाक है अगर अल्लाह तबारक ताला ने अपने फैसले का दिन मुकरर न किया होता तो आज ही झगड़े का फैसला हो जाता नंबर आठ कुफार आजाब की निशानियां मांगते थे फरमाया मुजरिमों पर आजाब जी आ, आवाज ब्रेक हो गई थी रुकू नंबर सात से आ, आवाज ब्रेक हो गई थी रुकू नंबर सात आठ से दोबारा आगाज कर रहे हैं सात हो चुके थे जी अब आवाज ठीक है जी ठीक है जी रकू नंबर आठ कुफार आजाब की निशानियां मांगते थे फरमाया मुजरिमों पर आजाब जरूर आएगा कब आएगा इसका इंतजार करो ये इंसान की राउनत है कि आजाब मांगता है लेकिन अल्लाह बुजुर्गों बरतर की गिरफ्त में आता है तो अल्लाह अल्लाह पुकारने लगता है और शुक्र गुजार बनकर रहने का वादा करता है लेकिन जब नजात मिल जाती है तो नाफरमानी पर उतर आता है सुनो इस दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे बारिश बरसे उससे ज़मीन में हरी भरी खेती उगे लोग खेती पर उम्मीदें लगा बैठे तो खुदा का अजाब आए और सब कुछ तबाह हो जाए सलामती का घर सिर्फ अल्लाह के पास है नेकी करने वालों के चेहरे आखरत में रोशन होंगे बुराई करने वालों के चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई होगी जैसे रात के स्या पर्दे। दे क्यामत के दिन मुशरकों और उनके मबूदों को जमा किया जाएगा तो उनके मबूद अल्लाह से आरज करेंगे कि हम उनकी इबादत से बेखबर थे उस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा रकू नंबर नौ इनसे पूछिए कि तुम्हें रिस्क कौन देता है कान और आंखें किसने बख्शी बेजान में से जानदार और जानदार में से बेजान किसने निकाला कायनात का ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है ये कहेंगे अल्लाह इनसे कहो फिर अल्लाह से डरते क्यों नहीं उसके सिवा कोई है जिसने मखलूक बनाई हो और फिर मार कर दोबारा जिंदा कर सकता हो उसके सिवा कोई है जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर सकता हो इन में से तो अक्सर सिर्फ कयास के पीछे चलते हैं किसी किसी इंसान इंसान का 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 बनाया हुआ नहीं, का हुआ नहीं, बल्कि अल्लाह भेजा है। अगर ये किसी का बना हुआ है तो तुम सब मिलकर इस जैसी एक सूरत बनाकर दिखाओ हकीकत ये है कि ये लोग एक ऐसी बात का इनकार कर रहे हैं जिसका इनको कुछ पता नहीं ये इस जुलम व शिर की सजा जरूर भुगतेंगे रकू नंबर दस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये आपकी बात नहीं मानते तो कह दीजिए तुम अपना काम करो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ ये मुतासब लोग आपकी तरफ कान तो लगाते हैं मगर समझना नहीं चाहते तो इन बहरों को आप कैसे मनाएंगे ये आपकी तरफ देखते हैं मगर दिल के अंदों को आपकी तरफ देखने से क्या फायदा होगा खुदा जुल्म नहीं करता ये खुद जालिम है कल जब खुदा के हुजूर पेश होंगे तो पता चलेगा कि घाटे में रहे हैं जिन बुरे नतज से हम इन्हें डरा रहे हैं इनका कोई हिस्सा हम आपकी मौजूदगी में इन्हें दिखा दें या आपके बाद बहर हाल इनको आना हमारे ही पास है जब भी किसी कौम ने रसूल का इनकार किया तो उसके मुनकरों के साथ पूरा इंसाफ किया गया आज के मुनकर भी कहते हैं कि अजाब का वादा कब पूरा होगा आप कह दें नफा मेरे बस में नहीं, अजाब की घड़ी आगे पीछे नहीं होगी अगर ये जल्दी मचा रहे हैं, तो इनसे पूछिए कि खुदा के अजाब का मुकाबला करने के लिए इन्होंने क्या समान कर रखा है क्या तैयारी कर रखी है उस वक्त तो उनका ईमान लाना बेफायदा होगा उस वक्त तुम सारी दुनिया के बदले में अल्लाह को वो देकर कभी नहीं बच सकोगे रुकू नंबर ग्यारह आखिर यह अपनी शामत बुलाने के क्यों दर पे हैं अल्लाह की उस अज़ीम नेमत को कबूल क्यों नहीं कर लेते जो कुरान की सूरत में नाजिल हुई है जो दिल के तमाम अमराज के लिए शिफा है कुरान तमाम बीमारों के लिए हर बीमारी के लिए शिफा है कुरान हिदायत है कुरान रहमत है अपनी तरफ से अल्लाह के रिस को हलाल और हराम ठहराने वाले डरें कि कल को अल्लाह के हज़ूर क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह तो लोगों पर मेहरबान है लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते रकू नंबर बारह पैगम्बर सल असलम और आपके सहाबा को तसली दी गई कि अल्लाह करीम हर कदम पर तुम्हारे साथ है अल्लाह के दोस्त है ये ईमान वाले अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह उनका दोस्त है उनके लिए ना मुस्तबिल का कोई खौफ है ना माजी का कोई गम है उनके लिए दुनिया और आखरत में खुशखबरी है इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है जमी जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों की पूजा करते हैं याद रखो शब रोज़ सब अल्लाह ही के बनाए हुए हैं खुदा तला औलाद से बेनियाज है खुदा पर बहुतान लगाने वालों तुम्हारे पास खुदा की औलाद होने की कोई दलील है तुम कामयाब नहीं हो सकते हमारे पास आओगे तो इस शिर की सजा पाओगे रुकू नंबर तेरा हजरत ने अपनी कौम के लोगों से फरमाया अगर तुम्हें मेरी बातें और मेरा वजूद अच्छा नहीं लगता तो याद रखो मेरा भरोसा अल्लाह पर है जाओ मेरे खिलाफ जो कर सकते हो कर गुजरो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मैं सिर्फ अल्लाह का फर्मा बरदार हूँ लोगों ने हजरत नूह की बात ना मानी हमने नूह के दुश्मनों को गर्क किया और नूह को साथियों समेत बचा लिया नूह के बाद कई पैगंबर आए मगर जिनके दिलों पर हमने मोहर लगा दी थी उन्होंने पैगंबरों की कोई बात ना मानी फिर हमने मूसा और हारून अलसलम को फिरौन की तरफ भेजा वो झट से बोला तुम तो जादूगर हो मूसा ने फरमाया ये हक है जादूगरी नहीं है जादूगर हक के मुकाबले में कभी कामयाब नहीं होते हैं फिर आउनियो ने कहा तू हमें बाप दादा के रास्ते से हटाकर अपनी सल्तनत कायम करना चाहता है हम तेरे मुकाबले में जादूगरों को लाएंगे जादूगर आए मगर अल्लाह के हुक्म से उनका सारा जादू बातिल हो गया अल्लाह ने हक को सच साबित कर दिखाया रुकू नंबर चौदह हजरत मूसा को उनकी कौम के चंद जवानों के सिवा किसी ने ना माना मुफ्त फिराउन का मुल्क पर बड़ा तसल्लुत था लोग उससे डरते थे मूसा आई साम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम में ईमान सादिक है तो अल्लाह पर भरोसा करो उन्होंने कहा अल्लाह हमारा भरोसा आपकी ज़ात पर ही है अल्लाह हमें ालमों का तख्त मश्क न बना हमने मूसा के साथियों को नमाज कायम करने का हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने बार गाहे खुदावंदी खुदाबंदी में आरस किया ए अल्लाह फिराउन और उसकी कौम मालो दौलत पर नाजा है ये तेरे बंदों को गुमराह कर रहे हैं तू फिरौनियों को मलिया मेट कर दे तो हमने बन इसराइल को समंदर के पार उतार दिया फिराउन ने समंदर में इसराइलियों का पीछा किया जब समंदर में डूबने लगा तो बोला मैं ईमान लाया उस खुदा पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं तो अल्लाह ने फरमाया जालिम अब ईमान लिए फिरता है अब मानने से क्या हासिल हम तुझे और तेरी लाश को पीछे आने वालों के लिए आबरत का सामान बनाएंगे रुकू नंबर पंद्रह हमने फिर बनी इसराइल को इकतदार बख्शा उन्हें पकीजा रिस्क दिया लेकिन उन्होंने हिदायत आ जाने के बाद फिर इख्तिलाफ पैदा करके हकीकत गुम कर अब उनकी धांधलियों के फैसले क्यामत के दिन होंगे मुसलमानों को तलखीन की गई है कि मुखालफी का शोर और उनकी मुखालफत तुमको इस किताब के बारे में किसी शक में न डाले ये बिल्कुल हक है इंसाफ पसंद अहले किताब भी इसके हक होने के गवाह हैं जिनके बारे में हुक्म इलाही हो चुका है वो जब तक फैसला कन अजाब ना देख लें ईमान लाने वाले नहीं सुन्न ना यह है कि कोई कौम कानून इलाही की जद में आ जाए तो उसको ईमान नसीब नहीं हुआ करता सिर्फ कौम यूनस ऐसी कौम है जो अजाब इलाही की जद में आते आते बच गई उन पर अजाब आने को था कि वो लोग ईमान लाए और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अल्लाह चाहता है कि लोग आज खुद ईमान लाए अगर अल्लाह तबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता तो सबको एक तरीके पर चला देता जो लोग अपने दिलों पर बदकारियों की नजासत के अंबार जमा कर लेते हैं उनके लिए कभी भी ईमान की राह नहीं खुलती ये लोग तो बस फैसला कुन दिन के इंतजार में है इनसे कह दीजिए उस घड़ी का इंतजार करो और मैं भी अब तुम्हारे लिए उसी के इंतजार में हूँ रकू नंबर सोलह सूरह के आखिर में हजूर सल्ला की जुबान मुबारक से मुखालफन के सामने ये फैसला कन ऐलान हो रहा है कि अगर किसी को मेरे दीन के बारे में शक हो तो वो सुन ले कि जिनको तुम पूछते हो मैं उनको नहीं पूछता मैं सिर्फ अल्लाह वाहिद की इबादत करूँगा नफा नुकसान अल्लाह ही के इख्तियार में है अगर वो अगर वो कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो कोई उसे टाल नहीं सकता है खूब कान खोल कर सुन लो तुम्हारे पास हक आ चुका है जो राह हिदायत इख्तियार करेगा उसका नफ़ा उसी को पहुंचेगा और जो गुमराही की राह इख्तियार करेगा उसका अंजाम खुद उसे भुगतना पड़ेगा मैं किसी के ईमान और कुफर का जिम्मेदार नहीं हूँ व आखिर रब्बिल आलमीन